रुचि किशन में आपका स्वागत है। देखिए मेरे बहुत दिन हो गए, अब मैं स्वेटर का डिजाइन लेकर नहीं आई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना जैकेट जो मैं बना रही थी वो आपसे शेयर की जाए। ये मेरी बची हुई ऊन की जैकेट है, देखिए ये देखिए बिल्कुल सिंपल डिजाइन है और आप इसको न्यू बिगनर्स ही बना सकते हैं। ये मेरे पास काफी कलर की ऊन बची हुई थी, ब्लैक थी, रेड थी, ब्लैक ज्यादा थी मेरे पास और ये और कलर की मेरे पास एक एक कोला थी। तो इस तरह से ये ऊन जितनी जैसे मेरे पास ऊन अवेलेबल थी मैंने उसी प्रकार से ये अपनी जैकेट पे डिजाइन दिया है। देखिए ये सिंपल डिजाइन मैंने बनाया है और ये मैंने पूरी जैकेट का पीछे का बैक पोर्शन तैयार कर लिया है। अभी क्योंकि इस मौसम में क्या होता है कि हमारे पास कभी कभी टाइम मिलता है तो हम ये इसे यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर ज्यादा गर्मी होती है तो हम इसको नहीं बनाते हैं, पर अगर मौसम सही होता है तो हम इसको आराम से बुन सकते हैं। तो देखिए ये मैंने ये तैयार किया है। अब देखिए मैं आपसे इसका डिजाइन शेयर करती हूँ। तो मैं देखिए ये जो है इसे इस तरह से पूरा देखिए पूरा पीछे का देखिए इसमें मैंने यहाँ पर देखिए ध्यान देखिए पूरा ब्लैक हो गया, इतना पोर्शन ब्लैक का पीछे मैंने रेड दिया है, इतना पोर्शन फिर ब्लैक का पीछे मैंने ये मेरे पास ये कलर इस तरह से करके मैंने ये अपना ये पूरा डिजाइन कम्प्लीट किया। अब देखिए मैं आपको ये डिजाइन बताती हूँ। देखिए ये मेरा पोर्शन है इस तरह से, ये मेरा साइड का पोर्शन है, मेरा बैक का पोर्शन तैयार हो चुका है, अब ये मेरा साइड का पोर्शन। तो साइड के पोर्शन के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल जो 65 फंदे होते हैं मैंने ये उस तरह से डाले हुए हैं, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग आपके जितने है उस तरह से, क्योंकि ये थोड़ा मुझे बड़ी जैकेट चाहिए थी 55 से लेके 60 तक आप इसे 65 तक फंदे अपने आराम से इसमें कैरी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपने फंदों को इस तरह से ही डिवाइड किया है। अब देखिए पूछे जो है ये मैंने रेड से कर रही हूँ, देखिए इसमें मैंने यही कराया है, पहले ये ब्लैक का पोर्शन इसमें बीच में रेड डाली, फिर ये मेरे पास ये ब्राउन था, कुछ मेरे पास ये थोड़ी थोड़ी ऊन ये इस तरह की पड़ी हुई थी। पहले मैंने सोचा क्या करूँ इस ऊन का, फिर मैंने सोचा कि एक जैकेट बनाई जाए, तो ये मेरी पहले मैंने एक जैकेट बनाई थी उसकी थी, ये भी है इस तरह से बची बची ऊन पड़ी हुई थी, तो इसको मैं यूज अपना कर रही हूँ और मैंने इस तरह से ये डिजाइन डेली वेयर घर में यूज कैरी करने के लिए हम से पहन सकते हैं। और वैसे मल्टी कलर हो गया ये, आप किसी भी सूट पे या किसी चीज पे आप कैरी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से मैंने ये फर्स्ट फंदा हमने बिना बुदा उतारना है, ठीक है, उसके बाद एक दो, तो मेरे कुल मिलाता है यहाँ पर तीन फंदे हुए। तीन फंदे के बाद मैंने ये पीछे करती हूँ और अपना ये यहाँ पर सीधा फंदा करती हूँ, एक दो तीन। देखिए ये डिजाइन इस तरह से तीन, ये मैंने यहाँ पर तीन लिए, साइड में तीन उल्टे करे, साइड में आप उल्टे छह भी कर सकते हैं फंदे, मैंने यहाँ पर तीन किए और ये उसके बाद ये तीन यहाँ पर मैंने डिजाइन के लिए बनाए हैं। फिर उसके बाद आगे धागा लेकर फिर मैंने यहाँ पर जो उल्टी सिलाई है छह, मतलब ये उल्टे छह फंदे करे। तो ये जो मेरा पूरा ये रो है ये इसी तरह से मुझे कंप्लीट करनी है। आप इसमें डिजाइन कोई भी दे देखिए, अभी देखिए मेरे थ्री बनते, वन टू थ्री, आप ये फिर आगे करें था फंदा, फिर उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। देखिए मेरे पास यहाँ पर सिक्स फंदे हो गए हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पर फिर थ्री फंदे लेने, वन टू थ्री, फिर से मुझे यहाँ पर सिक्स फंदे लेने हैं। तो उसी तरह से मुझे ये अपना जो रो है ये इसी तरह से कंप्लीट करनी है। देखिए ये इसमें देखिए देखिए ये इस तरह से हमें यहाँ पर तीन सीधे छह उल्टे, तीन सीधे छह उल्टे, इसी तरह से ये अपनी जो पूरी पूरी की पूरी रो है, आप डिजाइन कोई भी डाले, देखिए इस तरह से यहाँ पर फिर जाली बनेगी। तो मैं ये डिजाइन पूरी रो यहाँ तक कम्प्लीट करती हूँ, बिल्कुल सिंपल है, मैंने इसीलिए ही कम बताया था कि टाइम कम होता है तो उस हिसाब से। तो ये पूरी रो मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से देखिए यहाँ ये फंदा छोड़ा हुआ था, तो मैंने ये बेल्ट जो है साथ में ली हुई है, तो साथ में बेल्ट लेने के लिए मैं यहाँ पर रेड वाला फंदा इधर करूंगी और ये ब्लैक वाला इधर करूंगी और ये इससे आगे से ऐसे लूंगी ताकि ये ज्वाइन हो जाए। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये अपनी जो है बेल्ट है वो उल्टी तरह से उल्टी स्लाइस सिलाई है, तो उस तरह से मैंने यहाँ पर अपने सात फंदे कंप्लीट कर दिए। अब देखिए इस तरह से ही मुझे यहाँ से इधर से अपनी रो भी इधर कंप्लीट करनी है। और ये देखिए आप पूरी रो ये मैं अपना जो बॉर्डर ये कंप्लीट कर रही हूँ बेल्ट की, ये फ्रंट पट्टी है और ये जो मेरी पूरी रो है जो देखिए ये इधर से हम ऐसे टाइट से लेंगे और ये अपना राइट से लेंगे,
बची हुई बनाने से, पर हमें बेल्ट जो है आगे की जो बटन पट्टी होती है वो सिंगल कलर से ही लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट लगती है। और ये पूरी रो मुझे ऐसे की ऐसे ही एज इट इज कम्प्लीट करनी है उल्टी साइड से। ये डिजाइन इतना सिंपल है इसे कोई भी इजिली बना सकता है, बस ये है कि इसे हमने थोड़ा सा ध्यान से बनाना है और कुछ नहीं है इसमें। उल्टी रो पूरी की पूरी उल्टी होती है और इसे बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। जिसको सीधा उल्टा बुनना आता है वो भी इस बुनाई से जैकेट तैयार कर सकता है। तो मैंने इसीलिए मैंने कहा ये न्यू बिगनर्स के लिए कोई भी आप किसी भी तरह की हल्की फुल्की जब जो कलर आपके पास वो वूल बची हो आप उसमें ये सब डाल सकते हैं। ये डिजाइन बहुत सिंपल और अच्छा लगने वाला है और बहुत जाली भी नहीं है, क्योंकि वूलन में ज्यादा जाली भी नहीं अच्छी लगती। तो ये डिजाइन ऐसा ही है कि इसमें बहुत जाली भी नहीं है। और देखिए मैं आपको एक मशीन दिखाऊं, मैंने नीचे से प्लेन शुरू किया बिल्कुल प्लेन उल्टी बॉर्डर डाल के और ऊपर को ऐसे। आप चाहें तो बाद में इसको क्रोशे से भी, इसको डिजाइन मैंने पहले भी बताया था, आप इसको चाहे क्रोशे से डिजाइन बना सकते हैं और आपके पास, या फिर आप मतलब इस तरह से भी सिंपल भी पहन सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से मैं अपनी ये पूरा रो कम्प्लीट करूंगी। देखिए क्योंकि ये उल्टी रो ये लास्ट मेरी कम्प्लीट होने वाली है। ये डिजाइन इतना सिंपल है और इतना सुंदर लगता है कि आप इसे कोई भी आसानी से बना सकता है। आप चाहे तो इसको जेंट्स में भी डाल सकते हैं, बच्चों की में भी छोटी छोटी बूंदी अच्छी लगती है, बच्चों के स्वेटर में भी आप ये डिजाइन बना सकते हैं। और मैंने इसको बची भी ऊन में यूज किया है, आप चाहे तो इसको एक सिंगल कलर में भी यूज कर सकते हैं। जैसे भी चाहे आप इसको वैसे जैकेट या जेंट्स स्वेटर में या बच्चों के स्वेटर में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मेरा ये यहाँ पर कम्प्लीट, अब देखिए मेरी यहाँ पर थ्री सिलाई हो गई, देखिए 1 2 3 मेरी यहाँ पर सिलाई हो गई डिजाइन की। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये मेरा फर्स्ट फंदा और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने तीन फंदे बुनूंगी, क्योंकि मैंने साइड पे तीन फंदे छोड़े हैं। अब देखिए ये कितनी सिंपल है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास 1 2 3 फंदे हैं। अब देखिए मुझे ये धागा कहीं नहीं घुमाना, ये धागा मुझे ऐसे ही रखना। अब आप देखिए ये धागा फंदा उठाइए फर्स्ट वाला, जो मेरा फर्स्ट है ना ये फर्स्ट, और ये जब बीच में एक छोड़ के फिर आप ये सेकेंड थर्ड वाला, ठीक है। और आप इसको धागे को ऐसे ही करके इसको ऐसे ही कैरी कर लेते, इधर से लेंगे पीछे को ये इधर तीन का एक जैसे एक करते हैं ना वो वाला डिजाइन, और इसका बीच वाला फंदा मैंने उतार दिया। अब ये इस पर चढ़ा दीजिए और इसे यहाँ पर इस तरह से तीन का एक आप जिस भी तरह से बनाते हो, मैं इस तरह से बनाती हूँ, और ये इधर ये हो गया। और अब ये फंदे देखे हमारे सारे उल्टी डिजाइन आ गए, तो ये फंदा भी हम पीछे से, इसको जो वूल है हमारी इसको हम आगे पीछे नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ से ही आगे से देखिए एक फंदा उल्टा। तो हमारा बिल्कुल ये सिंपल है, इसमें हमें वूल इधर से उधर नहीं करनी है बार बार। और ये आपका देखिए, मैं तो आपको दोबारा बताती हूँ, देखिए ये मेरी थ्री फंदों का आयर प्लेन आ गए। इसमें मुझे यहाँ पर इसे फर्स्ट फंदा जो है मेरा ये वाला है, देखिए ध्यान से देखिए, और बीच में एक मिनट में एक फंदा हम छोड़ते हैं। मैं जो जैसे बनाती हूँ, आपको तीन का एक करना है, पर तीन का एक करने में ये वाला फंदा इस तरह से लेते हैं। देखिए ये लीजिए आगे को, और इसे हम यहाँ पे देखिए तीन हमने एक करा, तो देखिए मैं दोबारा बताती हूँ, एक इसे उठाया एक और ये इसे उठाया, और हम ये फंदे को हम लेंगे पीछे की साइड से और हम दो में से ये निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा ये फंदे निकल चुके हैं। अब हमें यहाँ पर एक फर्स्ट जो वूल है हमारी इसको उतार देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे उतार दिया। और इसको हम जो हमारे इस लाइन फंदा है इसको इस लाइन में रखेंगे, और ये जो फंदा है हमारे पास इसको इस तरह से हम यहाँ पर उतार देंगे इसके ऊपर बस। और हमें यहाँ पर ये भी हमें नीचे गिरा देना है, और ये हमारा इस तरह से यहाँ पर उल्टा करना है। आपको बार बार मैं बता रही हूँ कोई भी सिलाई में फेर नहीं करना है इधर से उधर। अब देखिए फिर आ गया हमारा ये, अब देखिए फिर देखिए मैं एक बार फिर बताती हूँ, ये फंदा लीजिए इस तरह से और ये फंदा बीच में एक फंदा छोड़ दीजिए और ये इस तरह से पीछे से आप ऐसे करिए इसमें धागे को, और ये अपना धागा निकाल लीजिए, और उसके बाद आप ये वाला फंदा जो है बीच का जो है ये उतार दीजिए। फिर इसके ये इसे सिंपल इस तरह से सिलाई में लेंगे और फिर यहाँ इसे उतार देंगे और फिर ये इस तरह से लेंगे, और ये वाला धागा जो है हम आगे की साइड नहीं करते, बार बार इसको ऐसे करके हम ऐसे ही उल्टा बुन लेते हैं। तो हमारी ये देखिए एक हमारा घटा था, एक इधर जाली बन गई और हमारा बढ़ गया, फिर इंक्रीज हो गया, एक इधर बढ़ गया एक इधर,
तो ये हमारे दो फंदे बन गए। तीन के तीन वैसे के वैसे ही फंदे रहते हैं। जब हम इसकी उल्टी सिलाई करते हैं तब ये हमारे फंदे अपने आप में ही सही हो जाते हैं उधर से, क्योंकि हम पूरा का पूरा उल्टा बुनते हैं। तो फिर से आ गया। तो इसी तरह से हम अपनी ये रो जो है रो इस तरह से ही कंप्लीट करते हैं। देखिए इस जैकेट पे मैंने एक और खास बात दी है, आपको पट्टी का ध्यान रखना है। देखिए पट्टी, देखिए ये देखिए मैंने यहाँ पट्टी कुछ सिंपल और इस तरह से दी है, ये मेरा आ गया और ये ब्लैक पट्टी मैंने ली है। आपको देखो देखिए बैक साइड देखिए धागे मैंने इधर की साइड से ज्वाइन किए हैं। हमें ध्यान रखना है एक साइड तो हमारा इजिली जॉब ये हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है, और ये देखिए मेरी इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हम इस टाइप की बुनाई आ जाती है, और दूसरी साइड हमें लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि हमें उल्टी सिलाई में अगर हम इधर से लेते हैं तो हमारा यहाँ डिजाइन खराब हो जाता है, तो इसलिए हमें इधर से ही लेनी होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। और अब ये डिजाइन देखिए मैं अभी उल्टी तरफ से भी आपको बना के दिखाती हूँ। उल्टी सिलाई पूरी की पूरी उल्टी ही होनी है। तो करिए मैं इसे इस साड़ी को कंप्लीट करती हूँ अपनी इस रो को। देखिए फ्रेंड्स मेरा ये इसका डिजाइन की लास्ट रो है जैसे, तो ये डिजाइन के देखिए आप ही इसे मुझे यहाँ पर बैक में दिखा रही हूँ मैं आपको, ये मुझे यहाँ पर उल्टा ही करना है। देखिए सारा पोर्शन यहाँ पर उल्टा ही लेना है। देखिए अब मेरे पास यहाँ पर जो मेरी ये तीन है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो मेरी ये तीन बुनाई के फंदे जो पीछे जाली आई थी उसे फंदे, ये एक पास जाली तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट की। अब देखिए उसे इधर से ये इधर से सेकंड बीच वाला जो मेरा मिड वाला था उसे हमने इस तरह से लिया, बनाने आपको इधर उल्टे ही फंदे, और एक ये लास्ट वाला हमने इधर से ले लिया। देखिए बिल्कुल सिंपल है इधर से, और ये डिजाइन सच में आप मानिए यकीन मानिए बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा बहुत ही मतलब, और अच्छा भी लगता है। देखिए और ये देखिए अब ये लास्ट ये फंदा हमने लिया जाली वाला, इधर से हमने ऐसे उल्टा उतार लिया, फिर मिड वाला फंदा लिया ऐसे उतार लिया, और फिर ये जाली वाला फंदा फिर ऐसे, और ये अपनी पूरी रो मुझे इसी तरह से कंप्लीट करनी है। देखिए ये बची हुई डिजाइन उनके बहुत सुंदर डिजाइन बना है, और मैंने इसमें यहाँ पर एक पॉकेट लगानी है। पॉकेट के लिए भी यहाँ पर मैंने अभी पीछे बैक का नहीं बनाया है, पॉकेट बनाऊंगी मैं। तो मेरी पॉकेट ये देखिए इस तरह से यहाँ बन जाएगी, और ये मेरा डिजाइन बहुत सिंपल सोबर बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस जैकेट में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सोबर, देखिए कितने सुंदर ये लग रहे हैं डिजाइन। देखिए पहनोगे जब आप बहुत ही खूबसूरत लगेगी। प्लीज आपसे शेयर कर कीजिए और इस जो डिजाइन को बना के देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।